दोस्तों आज के सेशन में है क्या? आज का सेशन टोटली एजुकेशन वाला सेशन है, मतलब चीजों को सीखना है, क्योंकि जीवन में सीखने की जो प्रक्रिया है वो जिंदगी भर चलती है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, और अगर आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। दोस्तों रोज हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक आर के अंदर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जिस दिन हम लोग सीखने की प्रक्रिया को कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उस दिन से हमारा ग्राफ जो है वो कहीं और जाना शुरू हो जाता है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? फटाफट अपना थंब दिखाना शुरू कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए हाँ हम सीखने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। और देखिए इससे होगा क्या, जब ये टू वे कन्वर्सेशन होगा ना तो बात करने का भी मजा आएगा, नहीं तो ये वन वे होकर रह जाएगा। और आज आप वाकई बहुत लकी हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग जूम के माध्यम से बात कर रहे हैं। ऑब्वियस हम जूम के माध्यम से बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा, आप ये सोचिएगा कि ये जो मीटिंग हो रही है, आज के जो ट्रेनर आपको कुछ ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं, अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करने के लिए आ रहे हैं, आप ये मानकर चलिएगा कि वो बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं। आप ये मानकर चलिएगा कि जहां आप बैठे हैं, आपके सामने वाली चेयर पर, आपके सामने वाले सोफा पर, वो सर आपके साथ बैठे हैं और आपसे बातचीत हो रही है, क्योंकि आज बात होने वाली है पैसों को लेकर। फटाफट टाइप कीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए, जल्दी से टाइप करो, सर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अपना अकाउंट नंबर आपको भेज देता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, तो चेहरे पर स्माइल आ गई, नहीं भाई सबको चाहिए, गुड सबको चाहिए। तो आज हम ये सीखने वाले हैं सर के माध्यम से कि अपनी इनकम को हर 2 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद बढ़ाना कैसे है। सपोज इस महीने आपका पे आउट 1 लाख रुपए का आया, तो आज हम लोग सर के माध्यम से ये सीखेंगे कि उसको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे हम लोग अपने जो ड्रीम्स, हम अक्सर जो लोग ड्रीम की बातें करते हैं, वो ड्रीम की बातें जो हम करते हैं, उस ड्रीम को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, वो गोल को हम कैसे पा सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सर से भी आप इंटरेक्ट करते रहिएगा। और एक गुड न्यूज आपके लिए और भी है, वो ये है कि जब हमारी ये जूम मीटिंग खत्म होगी, उस जूम मीटिंग के खत्म होने के बाद एक ओपन क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। कहने का मतलब एक ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसके अंदर अगर आपका कोई सवाल आज की जूम मीटिंग को लेकर, या कोई सवाल आपके मन में और है, तो वो सर खुद उसको एंटरटेन करेंगे। तो कहने का मतलब अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप वो सवाल सर से डायरेक्टली पूछ भी पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जूम मीटिंग के लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि जूम मीटिंग का जब लास्ट होगा, उस लास्ट के बाद सर से आप डायरेक्टली रूबरू होकर हम सब लोगों को अनम्यूट कर देंगे। अगर आपका कोई सवाल ऐसा है तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप टाइप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। जरा आप जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, फटाफट अपने चैट बॉक्स में टाइप करना शुरू कीजिए, यस वी आर रेडी। तो मैं उन सर को इनवाइट करने वाला हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरा नहीं है, आज का दिन सर का है। मैं भी सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, ललायित हूँ अंदर से कि यार मेरे को भी सीखना है, मेरे को भी कुछ नया सीखना है। तो अपना डायरी पेन लेकर साथ में बैठिएगा। जिनको मैं आज बुलाने वाला हूँ, उनका लगभग डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो लगभग पिछले 23 या 24 वर्षों का एक्सपीरियंस है। अगर मैं कहीं गलत दूंगा तो सर ठीक कर देंगे। तो दोस्तों 23 से 24 वर्षों का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस, जो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि बाय प्रोफेशन मैं लॉयर हूँ और पिछले 13 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो सर पिछले 23 से 24 वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। सोच के देखो एक्सपीरियंस कितना होगा। और खुशी की बात यह है कि आज इस जूम मीटिंग के अंदर आप जो बैठे हैं, मान के चलें कि आपका एक्सपीरियंस 2 साल का है, सर का एक्सपीरियंस जो है वो 24 साल का है, तो आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया, 26 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो वो चीज आपको आज मिलने वाली है, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब जैसा कि मैंने बताया सर दिल्ली से हैं, आज दिल्ली का मौसम भी बड़ा गजब का है साहब, बढ़िया बारिश हुई है, तो थोड़ा आज राहत मिली है। तो बाहर तो राहत मिल गई, अंदर इस जूम के अंदर आप जो धमाकेदार चीजें सुनेंगे ना, तो बाहर का टेम्परेचर तो कम हो गया, लेकिन जूम का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। आज इस वेबिनार का टेम्परेचर बढ़ने वाला है, क्योंकि जब सर आकर आपको बताएंगे तो दोस्तों यकीन मानिएगा आपके अंदर तक को वो हिला के रखने वाले हैं। एक एक चीज ऐसी उनकी होगी, वो नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे सर का तजुर्बा बोलेगा, क्योंकि इंसान नहीं बोलता साहब, उसका तजुर्बा बोलता है, उसका एक्सपीरियंस बोलता है। सर गजब के मोटिवेटर हैं, गजब के स्पीकर हैं, गजब के प्रेजेंटर हैं, अपनी बातों को बहुत ही शानदार तरीके से रखते हैं। और आई एम वेरी लकी और कि मुझे आज उनको यहाँ पर इनवाइट करने का मौका मिला है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उनको सीधा इनवाइट करूंगा। आज हम सब के बीच अपना कीमती समय निकालकर जो सर आए हैं,
बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं चाहूंगा पहले एक बार रिहर्सल कर लीजिए कि आप उनका स्वागत कैसे करेंगे। तो चैट बॉक्स में क्लैपिंग, फ्लावर्स, बुकेज वगैरह जो आप सेंड करना चाहें सेंड करना शुरू कीजिए ताकि मैं उनको इन्वाइट करूं। दोस्तों सोच के देखिए कि जब आप शिशिर दुबे सर को बुलाते हैं जिनका एक्सपीरियंस मात्र 5 वर्षों का है तो हम कितना हंगामा करते हैं, जब हम अजय कुमार साहू जी को बुलाते हैं जिनका एक्सपीरियंस 5 वर्षों का है तो कितना हंगामा करते हैं। जरा सोच के देखो जिनका एक्सपीरियंस 23 से 24 वर्षों का है उनके लिए कितना शानदार स्वागत होना चाहिए, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, लोगों का चैट बॉक्स में आना शुरू हो चुका है, बहुत बढ़िया, देख के अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों समय ना व्यर्थ करते हुए सीधा उनको इन्वाइट करते हैं, एक शानदार लीडर, एक शानदार वक्ता, बहुत बढ़िया मोटिवेटर, मिस्टर अरुण अग्रवाल जी को एक बार जोरदार तालियां अग्रवाल सर के लिए होनी चाहिए। यू आर मोस्ट वेलकम सर, नाउ ओवर टू यू सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू गोविंद जी। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अरुण अग्रवाल है और मैं दिल्ली से हूं, और काफी सालों पहले लगभग 1998 में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। तो ये बिजनेस ने क्या दिया, कैसे इस बिजनेस ने जिंदगी को चेंज किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये जो शेयरिंग मैं आपके साथ करने जा रहा हूं ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो मैंने सीखा है अपने सीनियर्स से, जो मेरे ट्रेनर्स से जो मैंने सीखा है, मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और मेरे साथ जो मेरे ट्रेनर्स थे उन लोगों ने जो मेरे साथ शेयर किया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक छोटा सा बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग का गिना जाता है उससे कैसे जिंदगियां बदलती हैं। जो मेरा कल था वो हो सकता है आपका आज हो, और जो आज है मेरा वो हो सकता है आपका कल हो, मतलब वो जिंदगी बदल सकती है। कैसे बदल सकती है उसके ऊपर हम चलेंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेमिनार की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज हम एक सीक्रेट को जानने जा रहे हैं, जिस सीक्रेट के बारे में मुझे आज से लगभग 22 से 23 साल पहले पता चला था और मैंने अपनी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट किया, और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में एक लाइफ चेंजिंग वाक्या हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। वो वाक्या था कि एक साधारण सी जिंदगी जीने वाला व्यक्ति ने कैसे इस बिजनेस के अंदर में आगे बढ़ा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में वो स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कि कैसे 1998 के अंदर में अपने बारे में कि मैंने कैसे इस बिजनेस में ज्वाइन किया और कैसे इस बिजनेस ने मुझे एक नई ऊंचाइयों के ऊपर में पहुंचाया और कैसे आज एक पूरी लाइफ को ये बिजनेस ने बदल दिया है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसे वॉच करें। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस बिजनेस के अंदर में, क्या मैंने किया इस लाइफ के अंदर में और कैसे इस बिजनेस ने चेंज किया, कैसे एक छोटे से कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब से मैंने एक बड़ा बिजनेस क्रिएट किया और आज एक अच्छी जिंदगी इस बिजनेस के जरिए जी रहा हूँ।
तो ये बिजनेस है क्या, कैसे होता है, कैसे इस बिजनेस के अंदर बड़ा बना जाता है या कैसे इस बिजनेस को एक बड़े मुकाम तक लेके जाया जाता है। तो आज हम उस ट्रेनिंग के बारे में जानने जा रहे हैं, उस चीज को जानने जा रहे हैं कि कैसे ये बिजनेस एक बड़ा बिजनेस क्रिएट हो सकता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये जानने में इच्छुक हैं कि इस बिजनेस को कैसे बड़ा किया जा सकता है? क्या आप लोग शेयरिंग करेंगे? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें? यस और नो? चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे नंबर, एक ऐसी संख्या के बारे में बताने जा रहा हूं जो संख्या अगर आपने इस नंबर को डायल किया तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक नई ऊंचाइयों के ऊपर में एक नए कीर्तिमान पर पहुंचा सकता है। और इस नंबर को आप अपनी जिंदगी में जब भी डायल करेंगे ये आपको एक नई सीढ़ी के ऊपर लेके जाएगा, एक नए मुकाम के ऊपर लेके जाएगा और आपको निरंतर तौर के ऊपर में इसी नंबर को अपनी जिंदगी में ढालना है और इस नंबर को डायल करते रहना है। ये नंबर है 355-2205, 355-2205। इस नंबर को आप जब भी डायल करेंगे आप अपनी जिंदगी के अंदर में एक बहुत ही सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर को देखने जा रहे हैं। ये नंबर बहुत ही बेहतरीन नंबर है और अगर इस नंबर को आपने डायल किया तो ये नंबर आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो कितने लोग हैं जो इस नंबर को डायल करना चाहते हैं? यस एवरीबॉडी। चलिए अब आप बोलेंगे कि सर ये नंबर डायल कैसे होगा? ये नंबर है 355-2205। ये नंबर किसी फोन से डायल नहीं होता। अगर आप चाहेंगे कि इसको मोबाइल से आप डायल कर पाए तो ये नंबर डायल नहीं होगा, आप चाहेंगे किसी टेलीफोन से तो डायल नहीं होगा। ये नंबर एक सीक्रेट नंबर है जो कि हर नंबर के पीछे इसके पीछे एक थ्योरी है जिस थ्योरी के ऊपर में आपको चलना है। तो ये थ्योरी क्या है? व्हाट इज दिस थ्योरी 355-2205? पहला अंक जो है नंबर 3, आइए 3 नंबर के बारे में जानते हैं। ये 3 नंबर क्या है? इस बिजनेस के अंदर है 3 गोल्डन रूल। ये 3 गोल्डन रूल्स आपने अपनी जिंदगी के अंदर ढालने हैं। ये इस बिजनेस के अंदर में अगर आप बड़ा होना चाहते हैं, इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को, 3 गोल्डन रूल्स को आपने अपनी जिंदगी के अंदर में ढालना है। चलिए 3 गोल्डन रूल्स। शेयर द प्रोडक्ट, पहला गोल्डन रूल आपकी जिंदगी के अंदर में, जो इस बिजनेस का सबसे अहम रोल है। आपको सिर्फ इस बिजनेस के अंदर में अपनी टीम को ही बड़ा नहीं करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है शेयर, प्रोडक्ट्स को शेयर करना। जो भी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं आपको उसको बहुत अच्छे से अपने लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट शेयर होता है उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ता है। अल्टीमेटली आपके कंपनी के अंदर में आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है, जो बिजनेस इनकम मिलने वाली है, जो कमीशंस मिलने वाली हैं, या आपको जो आमदनी इस बिजनेस से होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ सकती है जब आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स की शेयरिंग बढ़ जाए या आपके ज्यादा से ज्यादा सामान आपकी कंपनी का प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाए। और ये तभी हो सकता है जब हम प्रोडक्ट्स को शेयर करें। सिर्फ अकेले आप टीम बनाकर प्रोडक्ट्स को, आप अपनी टीम को बड़ा करकर सिर्फ पैसा नहीं बना सकते। इसके लिए जरूरी है कि आपकी टीम के अंदर में जो प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन है, जो प्रोडक्ट की शेयरिंग है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, और हर एक आदमी को अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। जितने ज्यादा आपकी प्रोडक्ट शेयरिंग होगी उतनी ही ज्यादा चांसेस है कि आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो। दूसरा रूल, रूल नंबर 2, शेयर द अपॉर्चुनिटी। इस बिजनेस के अंदर में बने रहने के लिए प्रोडक्ट के साथ साथ आपको टीम बिल्डिंग भी करनी है, आपको अपनी टीम को भी बड़ा करते चले जाना है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतने ज्यादा आपके प्रोडक्ट शेयर होंगे, उतने ज्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे और उसी के जरिए आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो आपको दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली मेंटेन करना है, आपको प्रोडक्ट्स को भी शेयर करना है और आपको
अपॉर्चुनिटी को भी शेयर करना है। जितने ज्यादा आपके टीम के अंदर में प्लान शेयरिंग होगी उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम बढ़ने के चांसेस है, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, सेल द इवेंट। जैसे आज आपकी कंपनी के अंदर में एक इवेंट हो रहा है, ये इवेंट क्या है, एक जूम मीटिंग हो रही है। अभी 2 से 3 दिन पहले आपकी एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी, वो एक इवेंट था, एक बड़ा इवेंट था। कंपनी के ऐसे सेमिनार्स, ऐसे इवेंट्स, ऐसी जूम मीटिंग्स, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जब आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इवेंट्स के अंदर में लेके आए, क्योंकि जितना बड़ा आपका इवेंट में शेयरिंग होगा उतना ही बड़ा चांस है कि आपके लोगों को इनकम के बड़े अपॉर्चुनिटी मिले और आपकी इनकम बढ़े। क्योंकि जितने ज्यादा इवेंट्स में लोग आते हैं, बहुत तरह की पॉजिटिविटी और बहुत तरह की इंफॉर्मेशन उन इवेंट्स के जरिए लेके जाते हैं, और वो इवेंट्स ही आपकी टीम बिल्डिंग प्रोसेस को मल्टीप्लाई करता है। तो सिर्फ काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इवेंट्स के अंदर में वो खुद इन्वॉल्व होते हैं बट अपनी टीम को इनविटेशन नहीं देते, या अपनी टीम को उतने अच्छे से नहीं बताते कि आपको भी ये इनविटेशन में आना चाहिए और इन इवेंट्स के अंदर में आपको बहुत हैप्पीली और बहुत एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप इवेंट्स को पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी टीम की मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ये सबसे पहला नंबर है 355-2205 का पहला 3 गोल्डन रूल, ये हमेशा याद रखना है और इसे कंटिन्यूअसली करते चले जाना है। आप इसके अंदर में ब्रेक नहीं दे सकते, आपको अगर अपना नेटवर्किंग कैरियर को बड़ा करना है तो दिस इज द 3 गोल्डन रूल्स। आइए चलते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर, वो है आपका 5 गोल्डन स्टेप्स। दूसरा नंबर है 355 का 5। तो 5 क्या है? 5 है आपका गोल्डन स्टेप्स। आपको इस बिजनेस के अंदर में 5 आपको स्टेप्स लेने हैं। वो 5 स्टेप्स क्या हैं, जिसको आप रेगुलर बेसिस पर अगर आप लेंगे तो आपका नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा और आपका जो नेटवर्क है वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे और देश विदेश के अंदर पहुंच जाएगा। ये कैसे होता है? पहला है सी द पीपल। आपने जितने ज्यादा लोगों से आप मुलाकात कर सकते उतने ज्यादा लोगों से आपको मुलाकात करनी है। आपको शाय नहीं रहना, आप जितने ज्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे, चाहे आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, किसी हवाई सफर के अंदर में, अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपने सभी के साथ में इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है। बट इसके अंदर में बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करते हैं। गलतियां क्या है कि आपको लोगों से तो मिलना है बट बिना रिलेशनशिप के आपने कभी कोई शेयरिंग नहीं करनी। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि पहले ही मुलाकात के अंदर, पहले ही बातचीत के अंदर में वो बिजनेस को प्रमोट करते हैं या बिजनेस को स्टेप इन कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि बहुत से लोग इसे जाने बिना इससे पीछे हट जाते हैं जबकि आपका रिलेशनशिप उस आदमी से नहीं होता। कोशिश कीजिए आप जिन लोगों से, नए लोगों से मिलते हैं, उनके साथ में आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो पहले, उसके बाद ही आप अपने इस बिजनेस को शेयर करें। क्योंकि बिना रिलेशनशिप के कोई बिजनेस बिल्ड नहीं होता। एक छोटा रिलेशनशिप भी आपको किसी को बिजनेस में लाने के लिए काफी है, वो आपको बहुत तेजी से इस बिजनेस के अंदर में बड़ा कर सकता है। दूसरा है शेयर द स्टोरी। ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसी चीज है जो कि इस बिजनेस के अंदर में जितना बड़ा मैंने अंपायर खड़ा किया या जितना बड़ा इस बिजनेस के अंदर में लोग दुनिया में बने हैं, उसके अंदर में इस सेकंड स्टेप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा मैंने अभी इस प्रेजेंटेशन को शुरू किया, मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की अपनी लाइफ की, ऐसे ही आपने अपनी कंपनी के अंदर में अपने अपने दोस्तों के साथ में, अपने प्रोडक्ट के साथ में एक स्टोरी शेयर करनी है। जब तक आपके पास में एक स्ट्रांग स्टोरी नहीं है, आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं करते। मैं हमेशा इस बिजनेस के बारे में बोलता हूं कि ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का बिजनेस नहीं है। इसमें ना ही प्रोडक्ट बिकता है और ना ही नेटवर्क या टीम बिकती है या आपका मैनेजमेंट नेटवर्क बिकता है। इस बिजनेस के अंदर बिकती है तो एक कहानी, एक स्टोरी, अ स्ट्रांग स्टोरी। अगर आप एक स्ट्रांग स्टोरी को अपने बाजार में लेके जाते हैं तो ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर आपने एक अच्छी कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो वेक कहानी हो, जो फेक कहानी हो, जिसके अंदर कोई तथ्य ना हो, जिसके अंदर में कोई कोई वैल्यू ना हो,
ऐसी वेग स्टोरीज बहुत तरह की लोग एक दूसरे को बताते हैं नेटवर्क के अंदर में, उन वेग स्टोरीज से आप अपने प्रोस्पेक्टिंग, जो भी आप जिन लोगों के साथ अपने बिजनेस को शेयर करने जा रहे हैं, वेग स्टोरीज लोग पसंद नहीं करते, उनको पसंद आती है एक सच्ची कहानी, एक बढ़िया कहानी जिसके अंदर में उनकी लाइफ को टच करने वाले कुछ पॉइंट्स हों, उनकी लाइफ के जैसे मेल जोल खाने वाले कुछ चीजें हों। हर एक जो पिक्चर दुनिया के अंदर में हिट हुई है, उस पिक्चर के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया जाता है वो होता है उस पिक्चर की कहानी का। मिल्खा सिंह हमारे देश के बहुत बड़े स्टार रहे हैं, लेकिन जब तक भाग मिल्खा भाग की स्टोरी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई, हम लोग उतने अच्छे से उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन जब वो स्टोरी पर्दे पर आई, उस कहानी ने पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से जोड़ दिया और अपने आप के अंदर में मिल्खा सिंह को लोग देखने लगे और वो एक बड़ी सक्सेस बनी। ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपकी जिंदगी का, वो टूल है स्टोरी। मैं इसके अंदर में बोलता हूं कि आपके प्रोडक्ट की भी स्टोरी हो सकती है, आपकी किसी अचीवर की भी स्टोरी हो सकती है, आपकी किसी फीमेल अचीवर की स्टोरी हो सकती है, आपके किसी लीडर की स्टोरी हो सकती है। आप इसके अंदर में एक स्टोरी को ऐड कीजिए, वो स्टोरी आपकी लाइफ चेंजिंग स्टोरी होगी और आपके नेटवर्क को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जहां पर आपकी स्टैग्नेंट इनकम है, इनकम बढ़ नहीं रही है, एक जगह पर आप स्थिर हैं, हर महीने का चेक 10,000, 20,000, 25,000 का आता है, वो कैसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी टीम उसे मल्टीप्लाई नहीं कर पा रही, क्योंकि आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं बट आपकी टीम एक अच्छे लीडर्स नहीं अभी प्रोड्यूस कर पा रही, क्योंकि उनके पास एक अच्छी कहानी नहीं है। तो अपने अपने बिजनेस के अंदर में एक स्टोरी को इन्वॉल्व कीजिए। आपकी लाइफ स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपके लीडर्स की लाइफ स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ये बिजनेस स्टोरीज का है। आप जितनी अच्छी स्टोरीज को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, उतना ही ज्यादा ये बिजनेस बढ़ेगा। तो रिमेंबर दिस सेकेंड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, शेयर द स्टोरी। दूसरी चीज, तीसरी चीज आती है इसमें, बिल्ड द रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। जैसा मैंने आपको पहली बार में बताया कि आप लोगों से मिलते हैं, तो बिना रिलेशनशिप के आप कोई भी बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, अपने लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयरिंग नहीं करनी। बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं या बड़े जो प्रोस्पेक्टिंग लोग होते हैं, उनको प्रोस्पेक्ट करने के लिए बिना रिलेशनशिप के आप बिल्ड नहीं कर सकते। बिना रिलेशनशिप के कोई भी आदमी आपके साथ किसी भी बिजनेस के अंदर में आने की इच्छा नहीं रखेगा। उसको एक एक रिलेशनशिप लेकर आती है, एक ट्रैवल कराती है जो आपके साथ जोड़ती है। तो एक बिजनेस के अंदर में रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़े दिन का वेट कीजिए, जाते ही सीधा बम नहीं फोड़ना कि ये हमारा मार्केटिंग प्लान है, ये ऐसा है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारी कंपनी है, इसमें आप करोड़ों रुपए कमा जाएंगे। ये जो हमारी पिचिंग होती है, जो हमारी कहने का तरीका होता है, ये कहानी, ये जो कहने का तरीका, ये बहुत ही मीडियोकर तरीका होता है जिससे लोग इंप्रेस नहीं होते। क्योंकि पहले दिन कोई भी आदमी इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि इस बिजनेस से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जिस बिजनेस को आपने 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 रुपए से शुरू किया था, उससे करोड़ों रुपए आ सकते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि करोड़ों रुपए लगाकर ही करोड़ों रुपए आते हैं, ऐसे हजारों रुपए लगा के करोड़ों रुपए नहीं आ सकते। तो इसलिए रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। तीसरी, चौथी चीज, आइए अब आते हैं हम, शेयर द अपॉर्चुनिटी। जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो आप अपने बिजनेस को प्लांट कीजिए, आप उसके साथ में अपने बिजनेस को शेयर कीजिए। जल्दबाजी करने से नुकसान होता है और इंतजार करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब आप किसी बड़े क्लाइंट को या बड़े प्रोस्पेक्टिंग, जिसके पास में नेटवर्क बनाने की क्षमता है, उसकी जिंदगी के अंदर में कुछ परेशानियां चल रही हैं और उसको आप इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ में फिर रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद आपको उसके साथ शेयरिंग करनी है, वो आसानी से इस बिजनेस के अंदर में आएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां से आप शेयर करेंगे, और जैसे ही आप ये शेयर करेंगे, आपका नेटवर्क फ्लरिश होगा और आपके पॉकेट्स के अंदर में एक अच्छी आमदनी आने लगेगी। तो ये पांच स्टेप हैं जो इस बिजनेस को बड़ा करते हैं, जो कि 3552205 उस नंबर की दूसरी कड़ी है। अब आते हैं हम तीसरे पार्ट के ऊपर। तीसरा,
पांच रेगुलर वर्क, 355 का 5 रेगुलर वर्क्स। ये 5 रेगुलर वर्क्स क्या हैं? बहुत सारे नेटवर्क्स को मैं देखता हूं कि जो लोग अपनी इनकम बड़ी कर लेते हैं, जिनको लाख रुपए महीने का, 2 लाख रुपए महीने का, 5 लाख रुपए महीने का चेक आने लग जाता है, वो उसके बाद एक काम बंद कर देते हैं जो इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो पहला स्टेप। वो पहला स्टेप क्या है? सेल द प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट्स को वो बेचना बंद कर देते हैं और टीम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो टीम उनका काम करेगी। लेकिन आप यकीन मानिए, इट इज अ मंकी सी मंकी डू बिजनेस। जैसा आप करेंगे वैसा आपके लोग करने शुरू करते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया तो यकीन मानिए आपकी पूरी टीम भी प्रोडक्ट बेचना बंद कर देगी और नए लोगों को ही सिर्फ एनरोल करेगी, नए लोगों को ही सिर्फ इस बिजनेस के अंदर में एनरोल करना शुरू कर देगी। और सिर्फ एनरोलमेंट से कोई बिजनेस बड़ा नहीं होता, क्योंकि जो आप ये फौज खड़ी कर रहे हैं, जितनी बड़ी आपकी नेटवर्क है, लेट से 10,000 लोगों का है, 5,000 लोगों का है, 2,000 लोगों का है, 50,000 लोगों का है, ये जो नेटवर्क है, ये जो लोगों की संख्या है, ये जो लोगों का समूह है, ये समूह आपने किसी देश से लड़ाई करने के लिए नहीं बनाया। आपको कहीं जंग में नहीं लेके जाना इस इतनी बड़ी फौज को। ये फौज आपने जो खड़ी करी है या जो आप अपने लिए फौज खड़ी कर रहे हैं, इस फौज का मकसद है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को रिटेल करना। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको रिटेलिंग बंद नहीं करनी, आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहते हैं जो कि आप इस बिजनेस के अंदर में कुछ लोग चैट कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि थोड़ी सी देर में मैं उनके साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा, उसके अंदर में मैं आपके सारे क्वेश्चंस ले लूंगा। तो सेल द प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा अपने लिए कुछ ऐसे प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट्स को अपने साथ ऐड रखना है, अपने साथ ऐड करे रहना है, जिनको आप हर महीने प्रोडक्ट दे सकें। क्योंकि सभी के सभी लोग कभी नेटवर्क के अंदर में नहीं आते, हर एक आदमी नेटवर्क करने लायक नहीं होता। हर आदमी, कोई आपको ऐसा शहर नहीं मिलेगा जिसके अंदर सभी डॉक्टर्स हों, सभी इंजीनियर्स हों, सभी के सभी नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाए, ऐसा कोई दुनिया में शहर नहीं है। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, बट आपने क्या करना है, उनको प्रोडक्ट के लिए अपने प्रोडक्ट का प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट बनाना है, जिससे कि आप महीने में 10,000, 20,000, 30,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल कर पाए। क्योंकि जहां पर आपकी सेलिंग बंद हो जाती है, वहां पर आपके नेटवर्क के अंदर में ग्रोथ बंद हो जाती है, आपकी टीम के अंदर ग्रोथ बंद हो जाती है। इसलिए मेरी सभी लीडर्स से, जो भी इसको अटेंड कर रहे हैं, वो आज से एक कमिट करिए अपने आप को कि वो अपनी प्रोडक्ट सेलिंग को, दूसरे लोगों के साथ शेयरिंग को, प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे। ऐसा करने से होता क्या है कि आपकी आमदनी के अंदर में कुछ आमदनी ऐसी जुड़ने लग जाती है, अगर आप उसको रिटेल करते हैं तो थोड़ा मार्जिन होता है उसके अंदर में, जिससे आप काफी इनकम भी कर सकते हैं, जिससे आपके छोटे मोटे खर्चे भी निकाले जा सकते हैं। फिर आपका सेकेंड है शेयर द प्लान। ये तो इम्पोर्टेंट है, आपको प्लान को शेयर करते जाना है। जितना ज्यादा प्लान शेयरिंग होगा आपकी टीम के अंदर में, उतना ही ज्यादा इनकम के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ये जो प्लान शेयरिंग है, ये एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। ये इसके अंदर में एक कायदा होता है, हमेशा जो बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है